सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और गाइस, जो भी चैनल पर नए आए वो जल्द से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से हर एक 4v4 फाइट को विन कर सकते हो। चाहे वो 4v4 फाइट कस्टम में हो या CS रैंक में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप उस फाइट को विन कर सकते हैं अगर आप मेरी ये टिप फॉलो करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो तो गाइस आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए गाइस, बिना टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्द से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्द से आगे वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते अपने नंबर फर्स्ट टिप की तरफ, जिसका नाम है करेक्टर। तो गाइस, मैं आपको एक करेक्टर बताने वाला हूँ जो आप में से किसी एक बंदे को यूज़ करना होगा, चाहे आप यूज़ करें या आपके टीममेट यूज़ करें, लेकिन गाइस ये करेक्टर को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, उस करेक्टर का नाम मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा करेक्टर आपको यूज़ करना है। तो गाइस, आपको करेक्टर जो यूज करना है उसका नाम है क्लू करेक्टर। हाँ गाइस, क्लू करेक्टर है, उसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि CS रैंक के लिए या CS मैच के लिए ये बहुत ही OP करेक्टर है। तो गाइस, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि गाइस ये बहुत ही अच्छा करेक्टर है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्लू करेक्टर का फायदा क्या होगा और क्लू करेक्टर की एबिलिटी होती क्या है। तो गाइस, क्लू करेक्टर की एबिलिटी ये है कि वो आपको एनिमी की लोकेशन बताएगी, आपके आसपास कहाँ कहाँ बंदे हैं, तो गाइस वो आपको एनिमी की लोकेशन बताएगी अपने मैप में, ठीक है। जो मिनी मैप होता है ऊपर से, गाइस वहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि आपके पास कितने बंदे हैं, आपके आसपास कितने एनिमी हैं और वो कहाँ कहाँ पर छुपे हैं। तो गाइस, इससे आप अपने टीममेट को बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ बंदे हैं, और आप वहाँ जाके आराम से बंदों को मार सकते हैं। तो गाइस, ये है इसका एडवांटेज। अब हम बात करते हैं क्लू करेक्टर के अंदर डिसएडवांटेज क्या है। तो क्लू करेक्टर के अंदर डिसएडवांटेज ये है, अगर जो एनिमी होगा वो क्राउच होगा या तो भी प्रोन होगा, बैठा होगा या लेटा होगा, तो गाइस क्लू करेक्टर आपको उसकी लोकेशन नहीं बताएगा। अगर आपका एनिमी स्ट्रेट खड़ा है तभी आपको उसकी लोकेशन बताएगा, अगर जो एनिमी है वो क्राउच है या प्रोन है तो गाइस उसकी लोकेशन आपको एनिमी नहीं देगा। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। लेकिन गाइस, इसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है, लेकिन गाइस मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप यूज़ करें, ये बहुत अच्छा करेक्टर है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एनिमी जो है क्राउच हो या प्रोन हो। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड नंबर टिप के ऊपर, जिसका नाम है स्ट्रेटजी, ठीक है। तो गाइस, आपको जो गेम खेलना है 4v4 जो आप कस्टम खेल रहे हो, तो गाइस आपको पूरा गेम प्ले स्ट्रेटजी के साथ खेलना है। ऐसा नहीं कि गाइस एक बंदा इधर से चढ़ रहा है, एक बंदा उधर से चल रहा है और सारे बंदे एक एक करके डाउन होते जा रहे हैं, आपको इस तरीके से नहीं खेलना है। अगर आपको एक 4v4 कस्टम मैच प्रॉपर खेलना है, प्रॉपर अगर आपको उसको जीतना है, तो गाइस आपको कोई स्ट्रेटजी बना के खेलना होगा। अगर आप बिना स्ट्रेटजी बनाए खेलेंगे तो गाइस अगर आपका अपोनेंट स्ट्रेटजी बना के खेल रहा है तो गाइस आप आराम से मर जाओगे, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं, फिर आप उसके बाद अपने हिसाब से जो आपकी सिचुएशन है आपके सामने उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो गाइस, एक नॉर्मल स्ट्रेटजी है जो सब प्लेयर यूज करते हैं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं गाइस वो इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। तो गाइस, वो स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बताता हूं। तो गाइस, वो स्ट्रेटजी में क्या होता है ना, तीन बंदे एनिमी के सामने होते हैं, एनिमी का जो ध्यान होता है अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए एनिमी को कि इनका एक प्लेयर गायब है, उनको डैमेज देते रहो, मतलब उनको फाइट में उलझा कर रखते तीन प्लेयर, और जो चौथा प्लेयर होता है वो पीछे से फ्लैंक मार के, आपको फ्लैंक का मतलब पता ही होगा, जिनको फ्लैंक का मतलब नहीं पता मैं बताता हूँ। फ्लैंक में क्या होता है, फ्लैंक में एक बंदा आपका जो फ्लैंक कर रहा होता है वो एनिमी के पीछे से जाता है और पीछे से बंदों को डैमेज देता है या पीछे से बंदों को मारता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम फ्लैंक, ठीक है। तो गाइस, आपके तीन बंदे जो हैं वो एनिमी के ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, और जो आपका चौथा बंदा होता है वो पीछे से फ्लैंक करके एनिमी को डाउन करता है, और अगर एनिमी का एक बंदा भी डाउन होता है तो गाइस जो तीनों के तीनों बंदे एनिमी का जो ध्यान भटकाते हैं ना, तो गाइस वो सीधे पुश कर देते हैं, और जब 4v3 की सिचुएशन आती है तो गाइस आराम से जो चार बंदे बचे होते हैं तो गाइस वो आराम से वो 4v4 फाइट जीत जाते हैं। तो गाइस इससे बोलते हैं स्ट्रेटजी गेम प्ले, ठीक है। तो गाइस आपको भी इसी तरीके से कोई स्ट्रेटजी बनानी है, जैसा आपके आगे सिचुएशन है, जैसा आपके सामने प्लेयर है, तो गाइस उस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर टिप के ऊपर, जिसका नाम है कवर फायर।
ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही मेन होता है, कई बंदे बोल रहे होंगे ये तो हमको पता था, लेकिन गाइस आपको ये नहीं पता होगा कि सीएस में और फुल मैप में कवर फायर अलग अलग होता है, मतलब उसका थोड़ा अलग रोल हो जाता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ सीएस में किस तरीके से वो कवर फायर होता है। तो गाइस सीएस में एक पर्टिकुलर बंदा कोई कवर नहीं देता पीछे से, ठीक है। जो अच्छी टीम होगी वो कभी भी एक पर्टिकुलर बंदे को पीछे नहीं रखेगी, क्योंकि अगर आपका स्नाइपर जो पीछे से कवर दे रहा है आपको, क्योंकि स्नाइपर ही बेसिकली ज़्यादा पीछे से कवर देता है, ठीक है। तो अगर आपका स्नाइपर हल्का सा भी ढीला पड़ा तो गाइस आपकी पूरी स्क्वाड वहाँ पर जा सकती है। इसीलिए चारों के चारों बंदे होते हैं वो एक साथ पुश करते हैं, और एक साथ पुश करने के साथ साथ वो क्या करते हैं अपने टीममेट को कवर देते रहते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप मान लीजिए कि एक टीम है ए और एक टीम है टीम बी, ठीक है। तो गाइस टीम ए का स्नाइपर पीछे से कवर दे रहा है, और टीम बी का टीम बी के चारों के चारों बंदे सीधे टीम ए पर रश कर रहे हैं, और टीम बी के एक प्लेयर ने टीम ए के स्नाइपर को डाउन कर दिया, ठीक है। तो गाइस उसके बाद क्या हो जाएगी, 4v3 फाइट हो जाएगी, और 4v3 फाइट होने के बाद जब पूरी टीम बी टीम ए पर रश मारेगी तो गाइस टीम ए प्रेशर में आ जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो गाइस ऐसा तो नहीं है कि खाली टीम बी भी मारेगी फिर टीम ए भी मारेगी, लेकिन उस समय क्या होगा ना, अगर वो अच्छे प्लेयर होंगे टीम बी वाले तो गाइस उस समय टीम बी क्या करेगी, अब जो भी बंदा रश करने जा रहा होगा, ठीक है, जो भी बंदा रश करने जा रहा होगा उसको तब कवर देगी, और जब टीम बी वाले कवर देना स्टार्ट कर देंगे तो गाइस टीम ए वालों को अपने आप ही हारना है, क्योंकि अगर टीम ए ने उनका एक बंदा डाउन भी कर दिया तो गाइस पीछे से उसको कवर मिल ही रहना है, और उनका स्नाइपर डाउन है तो गाइस उनको पीछे से कोई कवर दे ही नहीं पाएगा। तो गाइस सीएस में आपको क्या करना है, सीएस में आपको शुरुआत से किसी बंदे को कवर में नहीं बैठाना है, पहले सामने वाले प्लेयर का एक बंदा डाउन कर देना है, फिर जब चारों के चारों बंदे एक साथ उस पर रस मारेंगे तो गाइस उस समय फाइट के दौरान ही आपको थोड़ा बहुत एक दूसरे को कवर प्रोवाइड करवाना है। तो गाइस सीएस मोड में आपको कुछ इस तरीके से करना है, और जो आपको पता ही है पहले से कि पीछे से पहले ही स्नाइपर बैठा होता है, तो गाइस वो चीज़ होती है अपने क्लासिक जो बड़े मैप होते हैं फुल मैप के लिए होती है ये चीज़, कि आप पीछे से पहले स्नाइपर बैठा दो और जो आपके शॉर्ट रेंज प्लेयर उनको भेज दो और फ्लैंक फ्लैंक करवा के पूरी स्क्वाड खत्म कर दो। तो गाइस ये चीज़ होती है फुल मैप के लिए। तो गाइस अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। तो गाइस वो बोनस टिप है स्ट्रेट टुगेदर। तो गाइस स्ट्रेट टुगेदर का मतलब आप सबको पता ही लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी भी जिन बंदों को नहीं पता लगा तो गाइस उनको मैं बता दूँ, स्ट्रेट टुगेदर का मतलब है कि आपको एक साथ ही रहना है, ठीक है, इधर उधर कहीं किसी प्लेयर को भटकते नहीं रहना है, सब एक साथ ही रहो, एक साथ ही फाइट लो। तो गाइस उन पे एनिमी पे प्रेशर भी पड़ेगा, अगर एनिमी की टीम थोड़ी भी ढीली होगी, मतलब थोड़ी भी इधर उधर जा रही होगी उसका एक दो प्लेयर, तो गाइस आप उसके एक दो प्लेयर को जो भी इधर उधर जा रहा होगा आप चारों मिलके उसको आराम से मार सकते हो, फिर उसके बाद आप पे रहेगा एक एडवांटेज, क्योंकि आप पे चार प्लेयर हैं और सामने वाले पे दो तीन प्लेयर हैं। तो गाइस अगर आप इस तरीके से खेलते तो गाइस आपको हराना नामुमकिन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज मैंने आपको जितनी भी टिप बताई इनको आप अपने गेम में एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपका वर्क नहीं करेगी तो गाइस मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर गाइस ये टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए काम करती है तो गाइस आप ज़रूर से नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस आप वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो ख़त्म करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.